कंस्ट्रक्शन में फीचर आप ट्रांसमिशन लाइन, फिर ट्रांसमिशन लाइन के कंस्ट्रक्शन फीचर जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो कैसी होनी चाहिए। पहला हम इस्तेमाल करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, सपोर्ट या लाइन सपोर्ट की, मतलब चालक को सपोर्ट करने के लिए जो लाइन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है वो कैसा होना चाहिए। तो फंक्शन ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट का फंक्शन क्या होना चाहिए कि उसका कार्य क्या होना चाहिए कि चालकों के बीच क्या करें वो उचित दूरी बनाए रखें। जैसे हम पोल लगाते हैं, खंभे का पोल लगाते हैं, लकड़ी का पोल लगाते हैं, RCC लगाते हैं, ट्यूबलर टाइप लगाते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, उचित दूरी होनी चाहिए, एक मानक होता है उस मानक के हिसाब से ग्राउंड से उचित ऊंचाई होनी चाहिए। और ट्रांसमिशन लाइन क्या करें, सपोर्ट करना चाहिए मतलब गिरना नहीं चाहिए। अब उसमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, फंक्शन था, फंक्शन मतलब वो क्या करता है। अब हम देखें प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए सपोर्ट के, गुण क्या क्या होने चाहिए, तो क्या होना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए मतलब मैकेनिकली रूप से क्या होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए। वजन क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, हल्का वजन हो मजबूत भी हो, और कास्ट उसकी क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए उसके मेंटेनेंस जो हो वो आसानी से हम कर सकें। अब देखिए टाइप ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, सपोर्ट के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कौन कौन सपोर्ट होते हैं। जैसे लकड़ी का पोल हुआ तो हम सपोर्ट के लिए लेते हैं, स्टील के खंभे लेते हैं, ठीक है, RCC पोल होता है ये भी इस्तेमाल में आता है, और स्टील पोल होता है जो ट्यूबलर टाइप होता है, जो बेलनाकार होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी होते हैं ट्यूबलर टाइप के, ठीक है। तो ये हुआ सपोर्ट के बारे में, मतलब सपोर्ट का फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट के गुण क्या होते हैं, और सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। ये ट्रांसमिशन लाइन के सपोर्ट के लिए मैकेनिकली फीचर, मतलब ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली दो पोर्शन होते हैं। इलेक्ट्रिक रूप से बिजली के बारे में या चालक के बारे में बात करते हैं, उसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। जब मैकेनिकली रूप से इसमें बात करते हैं तो इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, सपोर्ट और फिर इंसुलेटर, ये सब क्या चीज़ें मैकेनिकल रूप में हम देखते हैं कि ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं इंसुलेटर पे। अब इसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, खंभे जो हम लगाते हैं इंसुलेटर लगाते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब हम लोग जानते हैं जो बिजली का क्या हो, कुचालक हो, ठीक है। तो वह पदार्थ जो विद्युत धारा का क्या करता है, बहुत ज़्यादा विरोध करता है, चाहे जिसमें से धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। और ये इंसुलेटर जो बने होते हैं ये क्या होते हैं, पोर्सलिन के, ज़्यादातर अब जो बातें पोर्सलिन के बने होते हैं, कांच के भी बने होते हैं, ठीक है। तो ओवरहेड लाइन ये क्या करता है, ओवरहेड लाइन, ओवरहेड मतलब हेड के ऊपर जाने वाली लाइन को क्या करता है, सपोर्ट करता है, और वो उसमें से डायरेक्ट जुड़ा नहीं होता, उसमें क्या होता है, रिंग, मेटल की रिंग होती है, मेटलिक रिंग होती है जो उसमें से होकर वो जाता है, तो ये डायरेक्ट उसको मैकेनिकली सपोर्ट करता है और डायरेक्ट टच में नहीं रहता है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इंसुलेटर क्या होना चाहिए, मैकेनिक रूप से सपोर्ट, मैकेनिकल रूप से क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल, हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होना चाहिए उसमें, मतलब धारा का क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा विरोध करना चाहिए, पोरस नहीं होना चाहिए, पोरस मतलब क्या होता है, हल्के हल्के जो छिद्र होते हैं उसमें वो नहीं होने चाहिए, और पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। पिंच ऑफ वोल्टेज वह वोल्टेज होता है जिस पर वो क्या होना चाहिए, वो होता है ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है कि जिस पे तुम्हारा हमारा इंसुलेटर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो इंसुलेटर के लिए वह वोल्टेज जिस पे इंसुलेटर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो ऐसा वोल्टेज क्या होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए। अगर लो वोल्टेज होगा तो लो वोल्टेज भी क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, कभी बिजली हाई मतलब आकाशीय बिजली गिरी तब भी ब्रेक हो जाता है। तो हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज टेस्टिंग होकर आता है, पिंच ऑफ वोल्टेज कितना होना चाहिए, पिंच ऑफ वोल्टेज उसका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अब टाइप ऑफ इंसुलेटर की बात करते हैं, इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं, इंसुलेटर देखिए कितने प्रकार के होते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर होता है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है, साइकिल टाइप इंसुलेटर होता है, और डिस्क टाइप इंसुलेटर होता है, ठीक है, सॉरी डिस्क टाइप इंसुलेटर। डिस्क टाइप इंसुलेटर क्या होता है, देखे होंगे एक डिस्क लगा होता है, हमारा 11 KV लाइन में होता है। तो हम पहले बात करते हैं पिन टाइप इंसुलेटर की, पिन टाइप इंसुलेटर क्या होता है, पिन टाइप इंसुलेटर जो होता है वो 33 KV वोल्टेज तक इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 33 KV की जो लाइन होगी उसमें जो होगा पिन टाइप इंसुलेटर होगा। यह सपोर्ट टावर के क्या होता है, क्रॉस आर्म पे लगाया जाता है, जो क्रॉस आर्म हमारा होता है ऐसे करके एक यहाँ पर लगा होता है, ऐसे होता है ना, ये क्रॉस आर्म बिजली आती है, तो क्रॉस आर्म जो होते हैं तो क्रॉस आर्म पे लगाया जाता है, जो हाथ होते हैं उस पे होते हैं। यह क्या होता है, केवल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज होता है, 33 KV से अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है कहीं तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये 33 KV क्यों होता है, क्योंकि जो डिस्क होता है, एक डिस्क जो होता है वो 11 KV का होता है, ठीक है, एक डिस्क जो होता है, डिस्क टाइप इंसुलेटर इसलिए कहा जाता है
कि जो एक डिस्क होता है 11 के बी में देखेंगे हम लोग तो खंभे जो लगे होते हैं एक एक डिस्क लगे होते हैं, और जब जहाँ पे 33 के बी होता है उसमें तीन तीन होता है। तो हम इस तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन सी 33 के बी की लाइन है और कौन सी 11 के बी की लाइन है। तो 33 के बी की लाइन होगी तो उसमें तीन डिस्क एक साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है, इस तरीके से तीन डिस्क लगे होंगे। और ये अब सस्पेंशन टाइप की बात करते हैं। सस्पेंशन टाइप क्या होता है कि यह हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 33 के बी के ऊपर के लिए। उसमें क्या होता है, ढेर सारे इंसुलेटर एक लड़ी के रूप में, एकदम ऐसे लड़ी के रूप में बने रहते हैं, एकदम चूड़ी लोग पहनते नहीं उस तरीके से लगे होते हैं, हाथों में चूड़ियाँ पहनते, वैसे आप लोग देखे होंगे बड़ी बड़ी जो टावर्स होते हैं 66 के बी, 132 के बी, 400 के बी, तो उसमें क्या होता है लड़ी के रूप में लगे होते हैं। तो इसमें चालक जो होता है वो सबसे क्या होता है, नीचे लगा होता है। चालक जो होता है इस तरीके से होता है, तो जो अगर ढेर सारे लगे मान लीजिए इंसुलेटर इसमें, इसी में अगर इसमें अगर एक बना दिया जाए और एक तीन चार बना दे, तो चालक सबसे नीचे लगा होगा। अगर अगर इस टाइप से होगा तो इसमें सबसे नीचे लगा होता है, ठीक है, इसमें ढेर सारे डिस्क लगे होते हैं। तो एक डिस्क 11 के बी होता है, तो जितने हमें चाहिए, तो हम जैसे अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगा दिए तो 66 के बी का हो गया, ठीक है। तो सस्पेंशन टाइप का होता है हाई वोल्टेज के लिए। अब आता है स्ट्रेन टाइप का। स्ट्रेन टाइप भी हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, 33 के बी के ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें सस्पेंशन टाइप में एक अंतर है कि स्ट्रेन टाइप के इंसुलेटर वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रेन टाइप के इंसुलेटर वहाँ पे इस्तेमाल किया जहाँ पे डेड एंड हो, मतलब अचानक से मोड़ आ जाए, आप ऐसे जा रहे हो खड़ा ऐसे मोड़ आ जाए, तो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर वहाँ, क्योंकि जहाँ वहाँ मजबूती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब आता है साइकिल टाइप इंसुलेटर। साइकिल टाइप इंसुलेटर क्या होता है, यह लो वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और डायरेक्ट पोल से जुड़ा होता है। ये पोल अगर है तो इसमें क्या होगा, इंसुलेटर लगा होगा, ये इंसुलेटर लगा होगा, ये इंसुलेटर इसी में फिक्स रहता है, ठीक है। आप कभी कभी खंभे में देखे होंगे तो फिक्स रहता है इसमें, ठीक है, ये साइकिल टाइप। अब आते हैं बात डिस्क टाइप इंसुलेटर के। डिस्क टाइप इंसुलेटर क्या होता है, एक सिंगल डिस्क होता है, ठीक है, एक सिंगल क्या होता है, ये डिस्क होता है, हमसे बना नहीं सही से, ये कितने होता है 11 के बी का एक डिस्क होता है, 11 के बी का एक डिस्क होता है, एक डिस्क होता है, ठीक है। तो यह 11 के बी तक का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी आधार पे हम जितने भी बनाने हुए, जैसे 33 के बी बनाना है तीन डिस्क, 33 के बी ज़्यादा बनाना है तो उतने डिस्क लेते चले जाते हैं। ये हमारा हो गया इंसुलेटर, कितने प्रकार के हैं ऐसे पॉइंट पॉइंट से हम लिख लेंगे, और फिगर अगर बुक में दिया है तो बना लेंगे, हमने बना भी दिया था कुछ, ठीक है। तो ये हमारा इंसुलेटर होता है ख़त्म। अब हम देखेंगे कि सिलेक्शन कैसे करते हैं, वही सिलेक्शन जैसे जितने के बी का कौन सा है, तो वो एक मिनट देखिए। अब सिलेक्शन ऑफ इंसुलेटर पॉइंट है, तो पिन टाइप इंसुलेटर कहाँ कहाँ सेलेक्ट होगा, पिन टाइप इंसुलेटर कितने तक है 33 के बी, तो 440 वोल्ट में पिन टाइप इस्तेमाल हो सकता है, 11 के बी में भी इस्तेमाल हो सकता है, मैक्सिमम कितने तक होगा 33 के बी तक। अब साइकिल टाइप इंसुलेटर जो होता है वो क्या होगा, लो वोल्टेज के लिए होता है, तो 11 के बी से कम के लिए होगा। यह हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल दोनों इस्तेमाल हो, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से दोनों लगा सकते हैं। डिस्क टाइप इंसुलेटर क्या होता है 11 के बी के लिए, ठीक है, एक डिस्क है एक 11 के बी, तीन डिस्क है 33 के बी। अभी सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर 33 के बी से अधिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है कंडक्टर के कौन कौन से होते हैं कंडक्टर, तो आल एल्युमिनियम कंडक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर आल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर, मतलब एल्युमिनियम के जो एलॉय होंगे, एल्युमिनियम अयस्क जो होंगे तो उससे बने हुए कंडक्टर, आल एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक है, एल्युमिनियम हो और स्टील का क्या हो, रेनफोर्स किया गया हो, ठीक है, तो आल एल्युमिनियम कंडक्टर एल्युमिनियम एलॉय रेनफोर्स बंडन कंडक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इतने कंडक्टर्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, बस इतना नाम याद करना है, आल एल्युमिनियम कंडक्टर, आल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर, आल कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, आल कंडक्टर एल्युमिनियम एलॉय रेनफोर्स, ठीक है, फिर बंडल कंडक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग किसको कहते हैं, तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अगले वीडियो का इंतज़ार करिए।